हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पैनुली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 7th साइंस कर रहे हैं, जिसके अंदर आजकल हम बात कर रहे हैं आपके कुछ क्वेश्चंस के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलग अलग चैप्टर्स के जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। पिछले भाग में हमने बात की थी चैप्टर लाइट से, है ना। आज हम करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स के क्वेश्चन। तो उसको करने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड इन प्लांट्स, ठीक है, इसकी बातें हो रही है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? Name some useful products. Name some useful products or material. Name some useful products or materials. Name some useful product and material that are carried by blood. है ना? ब्लड कौन कौन से मटेरियल्स को अपने कैरी करता है, ठीक है ना, कौन कौन से मटेरियल से जो ब्लड कैरी करता है। तो क्या क्या करता है ब्लड कैरी? ब्लड फूड को कैरी करता है, फूड को लेके जाता है, ठीक है ना। वाटर हो गया, फूड, वाटर, ऑक्सीजन, ठीक है, फूड है, वाटर और ऑक्सीजन है, ठीक है ना। ये क्या करता है? ब्लड कैरी करता है टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, है ना, हर पार्ट बॉडी तक। कौन पहुंचा के लेके जाता है? ब्लड, फूड भी पहुंचा के जाएगा हर पार्ट पे, वाटर भी लेके जाएगा, ऑक्सीजन भी लेके जाएगा, है ना। तो सारी चीजें ब्लड क्या करता है? लेके जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ थ्री मेजर ऑर्गन। सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ थ्री मेजर ऑर्गन्स, है ना। नेम देम, उनके क्या क्या नाम है? थ्री मेजर ऑर्गन्स, नेम देम। है ना, उनके हमें नाम बताने, क्या क्या उनके नाम है, तीन मेजर ऑर्गन्स के हमें नाम बताने, ठीक है ना। तो जो जो उनके नाम है उनके हमें नाम बताने, क्या क्या उनके नाम है, ठीक। तो क्या क्या है? एक तो ब्लड है, ठीक है, ब्लड वेसल्स, ठीक है, और अगला हार्ट। तो ये तीन है, ब्लड, ब्लड वेसल और हार्ट, ये तीन चीजें सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करती है? फॉर्म करती है, ठीक है। इन तीनों को मिला के हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड, गिव द नेम ऑफ द ब्लड कंपोनेंट, गिव द नेम Give the name of blood component
गिव द नेम ऑफ ब्लड कॉम्पोनेंट, गिव द नेम ऑफ ब्लड कॉम्पोनेंट विच इज लिक्विड, विच इज लिक्विड एंड कंटेन and contain 90% water. ठीक है, आपको उस कंपोनेंट का नाम बताना है. ठीक है, उस कंपोनेंट का क्या नाम है जिस जो लिक्विड होता है और उसमें 90% वाटर होता है ना. तो क्या होता है आपके पास, उस कंपोनेंट को हम प्लाज्मा कहते हैं. क्या कहते हैं बच्चों? प्लाज्मा. ठीक है, प्लाज्मा ब्लड का वो कंपोनेंट है जिसमें क्या होता है 90% वाटर होता है और वो थोड़ा सा लिक्विड पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट, उसे हम प्लाज्मा कहते हैं. आपका ये नोट हो जाए तो हाथ उठा दीजिएगा. नेम द ऑर्गन name the organ which is located name the organ which is located in the chest cavity name the organ which is located in the chest cavity Name the organ which is located in chest cavity with its lower lower tip slightly tilted lower tip slightly tilted towards the left tilted towards the left. ठीक है, क्या बोल रहा है? उस ऑर्गन का हमें नाम बताना है. ठीक है ना, जो हमारे चेस्ट कैविटी के अंदर है जिसका जो लोअर टिप है वो स्लाइटली लेफ्ट की तरफ झुका रहता है. तो कोई बताएगा आंसर, क्या इसका आंसर हो सकता है? बच्चों डीआईसी बच्चों बन के बच्चों आप सीधे बैठिए, हम देख रहे हैं यहां से. शरारत ना कीजिए, नोट डाउन करिए. और जीआईसी सहदेवपुर, सहदेवपुर है ना, जीआईसी सहदेवपुर, कोई बताएगा बच्चों आंसर इसका, उस ऑर्गन का क्या नाम है जो हमारे चेस्ट कैविटी में लोकेटेड है जिसका लोअर टिप हल्का सा लेफ्ट की तरफ झुका रहता है? कोई बताएगा? किसी को पता हो आंसर? जिसको पता है हाथ उठाए. इसका आंसर है बच्चों हार्ट, है ना. आपका जो हार्ट है वो चेस्ट कैविटी के वहां पे है और उसका जो लोअर टिप है स्लाइटली लेफ्ट की तरफ झुका रहता है. आंसर क्या हो जाएगा? हार्ट. ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए आप इसे. अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी की फुल फॉर्म क्या बताई थी आपको? रेड ब्लड सेल. आरबीसी कंटेन अ रेड कलर, अ रेड कलर्ड, आरबीसी कंटेन अ रेड कलर पिगमेंट
रेड कलर पिगमेंट विच कैरीज ऑक्सीजन विन इट, विच कैरीज ऑक्सीजन विच कैरीज ऑक्सीजन विच कैरीज ऑक्सीजन विद इट ठीक है. व्हाट इज द पिगमेंट कॉल्ड, व्हाट इज पिगमेंट कॉल्ड, ठीक है. आरबीसी में रेड कलर का एक पिगमेंट होता है, रेड ब्लड सेल में क्या होता है, एक रेड कलर का पिगमेंट होता है ठीक है ना, जो ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जाता है. तो उस पिगमेंट का क्या नाम होता है, उसका नाम आपको बताना है. कोई बताएगा बच्चों, जैसी बाग भगवा, जैसी बच्चों बन, किसी को जीएचएस सदेवपुर, जीएचएस सदेवपुर. कोई बताएगा बच्चों आंसर इसका क्या है, आरबीसी में वो रेड कलर का पिगमेंट का क्या नाम है जो ऑक्सीजन को अपने साथ कैरी करके लेके जाता है. पढ़ा है आपने चैप्टर ये पहले, जिसको आता है हाथ उठाएं और जवाब दें. आपके एग्जाम नजदीक आ रहे हैं. इसका नाम है हेमोग्लोबिन ठीक है ना. आरबीसी में रेड कलर का पिगमेंट का क्या नाम होता है बच्चों, हेमोग्लोबिन ठीक है. क्या क्या होगा इसका आंसर, हेमोग्लोबिन. ठीक है, तो हेमोग्लोबिन वजह से हेमोग्लोबिन ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर कैरिंग ऑक्सीजन विन इट विद इट ठीक है. चलिए तो ये आपने नोट कर लिया होगा. अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्या है हमारे पास, वेन्स 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 हैव वॉल्स, वेन्स हैव वॉल्स, वेन हैव वॉल्स विच अलाउ ब्लड, विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, टू फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन. वेन्स का क्या काम होता है कि ब्लड को सिर्फ एक ही डायरेक्शन की तरफ भेजना है ना, एक ही डायरेक्शन की तरफ वेन्स क्या करती है, ब्लड को भेजती है ठीक है. आर्टरीज ठीक है, वेन्स के पास क्या है, वॉल्स हैं. वॉल्स का मतलब दीवारें टाइप की होती हैं. एक बार ब्लड उस जगह से चले गया फिर दीवार बंद हो जाती है, वापस ब्लड नहीं जा सकता, तो एक ही डायरेक्शन की तरफ चलती है. आर्टरीज डू नॉट हैव वॉल्स, आर्टरीज के पास ऐसी कोई वॉल्स नहीं होती, डो नॉट हैव वॉल्स, आर्टरीज डू नॉट हैव वॉल्स ठीक है. येट ब्लड फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली, येट ब्लड फ्लो इन वन डायरेक्शन, ब्लड फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली, वन डायरेक्शन ओनली ठीक है. ब्लड फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली ठीक है, ब्लड फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली. कैन यू एक्सप्लेन व्हाई, ऐसा क्यों होता है, वेन्स में तो वॉल्स है, एक ही डायरेक्शन में ब्लड को भेजती है, आर्टरीज में कोई वॉल्स नहीं है तो भी
ब्लड उसमें एक ही डायरेक्शन में चलता है, ऐसा क्यों होता है कि आर्टरीज में वॉल्स नहीं होने के कारण भी ब्लड एक ही डायरेक्शन में चलता है? तो वेन्स के पास तो वॉल्स हैं जो कि मैंने आपको बताया ब्लड को प्रिवेंट करती है कि वो वापस वापस ना, मतलब एक डायरेक्शन में जाए, पीछे बैकवर्ड ना आए, है ना। जबकि आर्टरीज क्या करती है, ब्लड को पंप करती है एट वेरी हाई प्रेशर, है ना, बहुत हाई प्रेशर में पंप करेगी, वो क्या करता है उसको नेचुरली प्रिवेंट करता है बैक फ्लो से। जब वो वेन्स में, क्या वेन्स ने क्या किया, बहुत हाई प्रेशर से ब्लड को आगे भेजा, तो वो हाई प्रेशर की वजह से नेचुरली वो ब्लड वापस नहीं आ पाता, उसको प्रिवेंट करती है पीछे आने से, है ना। तो इसका आंसर हम ये लिखेंगे, बिकॉज आर्टरी इज, ठीक है, पंप ब्लड एट वेरी हाई प्रेशर, एट वेरी हाई प्रेशर ठीक है, आर्टरीज पंप ब्लड एट वेरी हाई प्रेशर which naturally prevent backflow, है ना। तो naturally ब्लैक जो backflow है ब्लड का वो नहीं हो पाता उसमें, तो ये रीजन है मेनली ये होने का। नोट करिए आप इसे, तो ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच फॉर्म ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड in which form oxygen is transported to various body parts by hemoglobin, various body part by, अभी हमने बात की थी कि आरबीसी में वो रेड कलर का पिगमेंट का क्या नाम है जो क्या करता है ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जाता है। तो हमने ये पूछा गया इसमें कि किस तरीके से हेमोग्लोबिन ब्लड को कैरी करके लेके जाता है। तो एक्चुअल में यहाँ पे होता क्या है कि जो हेमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर लेता है, जिसका नाम होता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ठीक है ना। हेमोग्लोबिन ने क्या किया, अब आपके आपको पता है कि ब्लड में क्या मौजूद है, हेमोग्लोबिन मौजूद है ना, ब्लड में हेमोग्लोबिन मौजूद है। तो हेमोग्लोबिन क्या करता है, बाइंड ऑक्सीजन, बाइंड ऑक्सीजन विद इट, हेमोग्लोबिन अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है विद इट, विच इज कॉल्ड एज, जिसको क्या नाम कहते हैं हम, विच इज कॉल्ड एज ऑक्सी हेमोग्लोबिन, क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है ना। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने साथ बांध के रखता है, जिसे हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, और फिर वो वेरियस बॉडी पार्ट में ट्रांसपोर्ट कर देता है, ठीक है ना, विच इज ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस बॉडी पार्ट। इस वजह से हम कहते हैं कि हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी का मेंटेन होना चाहिए, है ना, 11 12 से ऊपर हमारे हमेशा हीमोग्लोबिन होना चाहिए। हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होगा, ऑक्सीजन को वो, जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन हमारे ब्लड सेल्स में नहीं पहुंच पाएगी, जिस वजह से हमें एनर्जी नहीं मिल पाएगी टू कंडक्ट अवर वेरियस व्हाट
जो भी हमारी बॉडी पार्ट जो भी बहुत सारी चीजें करती है ना। अलग अलग सेल्स का अपना अपना अलग अलग फंक्शन हमने पढ़ा था, कोई एक्सिलेटरी फंक्शन करता है, कोई आपका फूड को क्या करता है, एनर्जी दे रहा है, ठीक है ना, कोई ब्लड को कैरी करके लेके जा रहा है। अलग अलग फंक्शन है अलग अलग सेल के, और हर सेल को फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता है। अब एनर्जी कब आएगी, जब उनको ऑक्सीजन मिलेगी, क्योंकि फूड का ब्रोक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन एनर्जी रिलीज होती है। अगर एनर्जी हमें नहीं मिलेगी तो हमारे वेरियस बॉडी पार्ट काम नहीं कर पाएंगे, और एनर्जी के लिए हमने कहा ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। और ऑक्सीजन को कौन कैरी करके लेके जाएगा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन अगर कम है तो कैसे ऑक्सीजन बॉडी पार्ट्स में पहुंच सकता है, तो इस वजह से मेन रीजन ये है आपका, ठीक है, तो उसको नोट कर लीजिए आप। चलिए तो नोट हो गया होगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ब्लड परफॉर्म वेरियस फंक्शन, ब्लड परफॉर्म वेरियस फंक्शन, ठीक है, ब्लड परफॉर्म वेरियस फंक्शन इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन, इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन, अगेंस्ट इन्फेक्शन हाउ, है ना। ब्लड क्या करता है, वेरियस फंक्शन परफॉर्म करने के साथ साथ हमें हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता भी है, कैसे, है ना। तो हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो हमने उसमें देखा था कि ब्लड के अंदर कई सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे आरबीसी है ना, इसी तरीके से ब्लड के अंदर एक डब्ल्यूबीसी भी होता है। क्या होता है, ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म क्या थी, वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, ठीक है। डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या होता है, वाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है, और डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं, है ना। ये क्या करते हैं, फॉर्म दी डिफेंस ऑफ अवर बॉडी, फॉर्म दी डिफेंस सिस्टम ऑफ आर बॉडी, ये हमारी बॉडी के डिफेंस सिस्टम का काम करते हैं, मतलब इन्फेक्शन से, बैक्टीरिया से, वायरस से ये हमारी बॉडी को डिफेंड करते हैं, है ना। और ये क्या करते हैं, दे ईट एंटीजेंस, एंटीजेंस को ये खाते हैं, ठीक है ना, दे ईट एंटीजेंस, दे ईट एंटीजेंस एंड फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, फाइट अगेंस्ट, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं, ये डिफेंस का काम, हमारी बॉडी का, हमारे डिफेंस सिस्टम का काम करते हैं, ये एंटीजेंस को खाएंगे और इन्फेक्शन के अगेंस्ट क्या करते हैं, फाइट करते हैं। आई बात समझ में आपको, तो ये नोट कर लीजिए आप इसको, फिर देन आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट हो गया होगा आपका। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है वेस्ट CO2, वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट CO2 एंड यूरिया आर रिमूव्ड, वेस्ट CO2 एंड यूरिया आर रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी, फ्रॉम आवर बॉडी बाय विच ऑर्गन, बाय विच ऑर्गन, है ना। तो CO2 हो गया, यूरिया हो गया, हमारी बॉडी से रिमूव किया जाता है किस ऑर्गन द्वारा, तो किस ऑर्गन द्वारा किया जाता है, किडनी द्वारा, है ना, किडनी,
किडनी को हम एक्सक्रेटरी सिस्टम भी कहते हैं अपनी बॉडी का। किडनी क्या करती है, काम करती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ब्लड इज अ फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज अ फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज अ फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है, फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू है ना। ऐसा क्यों, क्यों ब्लड को हम फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं? तो ब्लड को हम फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि यह करता है, कनेक्ट करता है ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी विच अनादर, है ना। इट कनेक्ट ऑल द पार्ट्स, इट कनेक्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी विद ईच अदर, है ना, एक दूसरे के साथ करता है कनेक्ट। इस वजह से हम क्या कहते हैं इसको, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो इस तरीके से आज हमने चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल से रिलेटेड क्वेश्चंस किए। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।